हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 5 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक से तो जरूर कर ही देंगे। यहाँ पे मिरर इमेज का देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैथ की, और उसके बाद जीके के क्वेश्चंस की बात कर लेंगे, और उसके बाद सभी टॉपिक के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे क्या किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मिरर इमेज का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि इसमें आपको बताना था कि मिरर इमेज क्या बनेगी। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ें पास में होती हैं ठीक है उसको पास में ही रखना है, और जो दूर होती है मिरर से वो दूर में ही रखने हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको इस तरीके से जो फिगर है इसको बिल्कुल डिट्टो ऐसी ही बनाएंगे ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई मिरर इमेज में अफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और जो ये लाइन है देखिए, इसका ये डायरेक्शन है तो ये झुकाव जो है इसका मिरर की साइड को है ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इधर भी यही बना देंगे, तो इस तरीके की आपकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ओल्ड वन आउट से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है, तो थोड़ा सा विश्वास रखिए, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं बताऊंगा। चाहे मैं वीडियो अपलोड ना करूँ बट जितने क्वेश्चन मिलेंगे वो, चाहे क्वेश्चन कम लेके आऊँ बट जितने क्वेश्चन लेके आऊँगा वो सारे रियल होंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड वन आउट में कुछ इस तरीके से था कि एफ H O और यहाँ पे J और K इस तरीके से मिलकर के लिखा था ठीक है। तो यही आपका भिन्न हो जाएगा क्योंकि सभी सिंगल सिंगल है और ये दो वर्ड मिला करके लिख रखे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सभी टमाटर हरे हैं, कुछ टमाटर आलू हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी आपके टमाटर जो है वो हरे इस तरीके से बन जाएंगे, और आपके कुछ टमाटर आलू हैं। तो आपका टमाटर आलू है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, कुछ टमाटर आलू है ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आपके निष्कर्ष दे रखे थे कि कुछ हरे आलू हैं, जो आपका हरे वाला पोर्शन है देखिए, जब टमाटर को आप कुछ टमाटर आलू बनाएंगे तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो हरे का भी जाएगा ना, क्योंकि ये इसके घर में है। ये मान के चलिए कि जो टमाटर है वो हरे के घर के अंदर है, तो इसको पार करके ही ये टमाटर तक जाएगा, तो कुछ ना कुछ हरे भी आलू बन जाएंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सभी आलू हरे हैं तो सभी आलू हरे नहीं हो सकते हैं। सभी आलू किस कंडीशन में हरे होंगे, जब ये वाला आलू का वेन डायग्राम किससे कवर कर दिया जाएगा, हरे से, तो ये सभी के सभी आलू आपके हरे हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन था आपका सीरीज से, देखिए इस टाइप का, पी को 81 लिखा जा रहा है, क्यू ये यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे देखिए खाली स्थान छोड़ रखा था कि बताना था हमें क्या आएगा। यहाँ पे फिर था आपका आर 49, एस 36 और टी 25। तो यहाँ पे सीधा सीधा सभी का स्क्वायर चल रहा है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यहाँ पे खाली स्थान है हमें छोड़ देते हैं, तो आर सॉरी ये आपका जो लिखा है 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो 8 के बाद घटते हुए क्रम में है, तो 9 के बाद क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आपका 64, तो यहाँ पे Q 64 राइट आंसर बन जाएगा। और ये देखिए P Q R S T ये इस तरीके से चल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और था आपका इस लोग से ही, यहाँ पे बोला गया था कि कुछ पक्षी बादल हैं, घोड़ा एक पक्षी और बादल है, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। देखिए कुछ पक्षी आपके बादल इस वाली कंडीशन में बन जाएंगे ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि घोड़ा एक पक्षी और बादल है, तो देखिए पक्षी और बादल दोनों इस वाली कंडीशन में हो जाएगा ठीक है। तो आपका ये वाला वेन डायग्राम बन के तैयार होगा। इसमें क्या बोला गया, कुछ बादल पक्षी है, तो कुछ बादल पक्षी है तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा ठीक है, क्योंकि देखिए बादल को भी क्रॉस कर रहा है पक्षी को भी, ये कुछ बादल पक्षी है तो आपको बता ही रखा ठीक है। और नेक्स्ट आपको है कि घोड़ा बादल नहीं है, तो नहीं वाली तो कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी सारी पॉजिटिव है, तो ये कट हो जाएगा ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका देखिए कुछ इस तरीके का भी था, एनालॉजी का एक क्वेश्चन कि 6 को अगर 42 लिखा जाता है तो 5 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 7 में की गई, 42 आ गया, तो 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन था आपका, तो 35 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे था कि एक 12 फरवरी को मंडे है, तो 528 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, 528 को 7 से भाग करिए तो ये कितनी बार जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा 525 बार ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 3 रिमाइंडर का मतलब है कि आपका 1 2 3 काउंट करिए कि मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, यानी कि थर्ड आपका वेनसडे होगा, तो 3 रिमाइंडर का मतलब है कि तीसरा दिन आपका वेनसडे होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वेनसडे ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि
ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 18 दिन में। मैथ के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए 15 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। कंडीशन क्या दे रखी थी कि ए काम पूरा होने से 4 दिन पहले। देखिए कुछ बच्चों ने 4 बताया, कुछ बच्चों ने बताया इसमें 11। तो यहाँ पे आप 11 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद दो अलग अलग बच्चों ने बताया है। तो ये आप मत ये मत बोलिएगा कि ये 11 था या 4 था। तो आप कहीं कहीं पे 4 भी था, कहीं कहीं पे 11 भी था। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए 15 दिन में कर लेता है, बी 18 दिन में। तो यहाँ पे बोला गया कि ए काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो अब काम पूरा कितने दिन में, कितने समय में होगा। इन दोनों का हमने लिया एलसीएम, कितना आ गया 90। 90 वो टोटल वर्क है जिसको ए 15 दिन में कर लेता है और बी 18 दिन में कर लेता है। तो एक एक दिन में कितना करेंगे, 90 को 15 से भाग कर देंगे तो ए एक दिन में 6 यूनिट वर्क करेगा, 90 को 18 से भाग करेंगे तो बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेगा। अब ये बोला गया है कि ए काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, इसका मतलब क्या होगा कि उन लास्ट के 4 दिनों में, जब ए काम छोड़कर चला गया होगा उन लास्ट के दिनों में, उन 4 दिनों में बी ने अकेले ने वर्क किया होगा, बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 की मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा। तो 90 में से 20 माइनस करेंगे, बचे कितना, 70। अब इस 70 को, जो ये 70 आपका बच गया 90 में से 20 माइनस करके, इस 70 को किसने किया होगा, इन दोनों ने मिलके, भाई 6 और 5 दोनों के, ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा ना। तो दोनों मिलके कितना करते हैं, 6 5 11, तो 11 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में। तो 70 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, 6 सही 4/11 दिन में। और पूछा है कितना समय लगेगा, तो 4 दिन तो अकेला बी करके गया ना लास्ट में जब ए छोड़ के चला गया था, और 6 सही 4/11 इन दोनों ने मिलके किया है, तो कितना हो जाएगा, 10 सही 4/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने समय दोनों ने मिलके कार्य किया है, कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है एसआई से, बहुत ही सिंपल, मतलब डिट्टो यही क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल 16,000 थी, रेट आपका 6% था और आपका जो टाइम था वो 2 साल का था, ठीक है। तो एसआई बताइए, तो यहाँ पे एसआई आपको निकालना है, तो P R T अपॉन में 100 कर लेंगे, 16,000 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे और गुना 2 में करेंगे और अपॉन में 100 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेट आपका दे रखा 6% और टाइम दे रखा 2 ईयर का। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 160 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 1920, यही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन था आपका कि एक कार का मूल्य 16,000 है, अगर कार की कीमत 10% हर एक वर्ष कम होती है तो 2 साल बाद उस कार की मूल्य क्या बचेगी, ये है, मतलब कि डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी कार होगी जब आप नई खरीद के लाएंगे वो कुछ ना कुछ तो घटेगी, तो इसी तरीके का बताया गया है यहाँ पे कि 10% से वैल्यू डिक्रीज होती है हर एक साल में, तो 2 साल बाद क्या वैल्यू बचेगी। तो 16,000 का 10% निकालिए, 1600 आ गया, यानी कि एक साल में 1600 कम हुई, ठीक है। तो 16,000 में से 1600 को माइनस करेंगे, 14,400 बच गई आपकी। अब 14,400 की वैल्यू फिर नेक्स्ट 10% घटेगी तो कितना हो जाएगी, 1440। तो 1440 और 1600 को प्लस करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कितने की वैल्यू बची है, तो 3040 का आपकी डेप्रिसिएशन लग गई है। 16,000 में से माइनस करिए 3040 को, तो 12,960 रुपये की। तो 2 साल बाद वो कार 12,960 रुपये की, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, तो 12,960 रुपये की ये आपकी वैल्यू बच जाएगी, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए एलसीएम का एक पूछा गया था, 3, 15 और 18 का, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं उस मेथड से भी 3, 15 और 18 लिख करके। बट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा अगर समझ जाए आप, भाई 3 तो इसको भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है, तो इसका मतलब 3 को तो आप एक तरफ ही रख दीजिए, कोई भी वैल्यू आएगी 3 तो उसे कट कर ही लेगा, जो भी इन दोनों का एलसीएम होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना हमें, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, भाई आप बड़े वाली संख्या की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, जब तक ये ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो इससे भी कट हो जाए, और इससे तो कट हो ही जाएगी क्योंकि इसका उसका मल्टीपल होगा, तो आप 18 × 36 इस तरीके से बढ़ाते जाइए तो आपका 90 आ जाएगा। 90 से ये तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि इसका इससे तो हमने मल्टीप्लाई करते हुए लेके आए, मतलब इसको बढ़ाते हुए लेके आए 18 से, इससे हो जाएगा 90 और 3 से तो हो ही जाएगा, मैंने पहले बता दिया, तो 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए, ये आपका एलसीएम हो जाता है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे मैंने देखे बहुत ही सिंपल से जो एलसीएम होते हैं उनको भी इसी तरीके से निकालते, तो टाइम वेस्ट नहीं करना होता है आपको, देखना होता है कि 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू का अगर आप एलसीएम, मतलब एक वैल्यू एक ऐसी है कि वो उन दोनों को डिवाइड कर रही है, तो उसको तो एक तरफ रख दीजिए, उसको तो एलसीएम ये समझिए, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो उससे डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग की बात की जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से 5 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से आपके 2 क्वेश्चन थे, स्लोगन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी तो इससे
एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कुछ शिफ्ट ऐसी भी गई हैं थर्ड शिफ्ट कि जिनमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और कुछ कुछ में ये 4 से 5 पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन के तो 4 से 5 क्वेश्चन पहले से मैं बताता आ रहा हूँ बहुत पहले से कि फिक्स है। सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से शायद कोई क्वेश्चन नहीं था, बताया नहीं है, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन था, क्लोक से कोई क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से आपके 2 क्वेश्चन थे, एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर से भी 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। तो ये बात होगी आपकी रीजनिंग की। अगर मैथ की बात की जाए तो आपका मैथ में टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, यही मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, टाइम एंड वर्क और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताए थे वही नियर बाय पैटर्न रहा है। कुछ चैप्टर यहाँ पे कम ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और बोर्ड मास से आपके मतलब यही क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट से भी शायद क्वेश्चन था, बताया नहीं किसी ने, ऐसा ही का मैंने बताई दिया, एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, एक बच्चे ने मुझे बिल्कुल यही बताया है, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन था आपका, एज का पता नहीं, एज से क्वेश्चन था या नहीं था, एचसीएफ से नहीं, एलसीएम से क्वेश्चन था, ठीक है, एलसीएम से क्वेश्चन था, एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं था। तो ये आपका हो गया पूरे टॉपिक वाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ भी, टॉपिक स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल हैं उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे लिंक है, वहाँ से जाकर के टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम जो चैनल है ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन है तो वहाँ पे मिल ही जाएगी। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।